आम का अचार तो कई अलग तरीके से बनाते हैं सब। एक बार इस तरीके से आम का ये तीखा मीठा अचार बनाकर देखिए, सालों साल चलेगा और स्वाद ऐसा उंगलियां चाटते हुए खाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने आम को छील कर अच्छे से टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ी सी हल्दी लगाकर 1-2 घंटे के लिए थोड़ा हवा में सुखा लिया है ताकि उसका मॉइस्चर थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद इस टुकड़ों को ऑयल में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हमें इस तरीके से इस आम के टुकड़ों को फ्राई करके ले लेना है अच्छे से। तो ये लगभग लाल सा दिखने लगा है, अब हो चुका है फ्राई, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है पर बहुत ही गजब की टेस्टी बनती है। आम का ये तीखा मीठा चटपटा सा अचार ज़रूर एक बार बना कर देखिए। अब उस कढ़ाई में से और हम तेल हटा देंगे और थोड़ा सा ऑयल रहने देंगे। डाल देंगे उसमें अचार के लिए जो बेसिक मसाला आता है, मेथी, जीरा, सौंफ, राई, अजवाइन और कलौंजी, इसका तड़का। सभी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी सी ही लेनी है, आधे चम्मच से भी कम। और वो तड़का पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 कुटी हुई मिर्ची, या जितना आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्ची इसमें। जब वो तड़का पक जाए डाल देंगे इसमें 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी पानी क्योंकि मैंने चीनी भी 1 कटोरी डाला है। तो जितना हम चीनी डालेंगे उतना ही हमें पानी भी डालना है। तड़का पकने के बाद डाल दिया 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी डाल दिया है चीनी। अब जब उबलने लगे उसमें डालेंगे बहुत ही थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी, ताकि कलर इसका और भी अच्छा है। और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है नमक हमें इसमें। नमक डालने से एक अच्छा सा बैलेंस टेस्ट होगा। तो इसे हम अच्छे से घुमाते हुए चमचे से पका लेंगे। कम से कम हमें इस चाशनी को 4 से 5 मिनट या पका लेना है, जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना होने लगे। इतना देर हमें इसे पकाना है। जब ये थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए आम के टुकड़े और इसे चाशनी के साथ मिक्स करके फिर से हम 3-4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, ताकि आम के टुकड़ों में चाशनी अंदर तक चली जाए अच्छे से। और उसके बाद हम गैस को कर देते हैं बंद और ये पक चुकी है बिल्कुल। तो बिल्कुल इतना हल्का हल्का सा ये गाढ़ा सा हो चुका है। वैसे तो ये एकदम रेडी है, पर अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो हम इसमें डाल देंगे 1 ढक्कन के करीब ये विनेगर। इससे इस अचार का टेस्ट और भी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा और चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होकर जमेगी नहीं और ये लंबे समय तक सही भी रहेगा। तो चाशनी वैसे ऑप्शनल है, अगर तुरंत खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो विनेगर ना भी डालें, पर अगर लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो 1 ढक्कन विनेगर डालना है इसमें। और जब ये पूरी तरीके से हो जाए ठंडा तब हम इसे कांच के किसी जार में, साफ सूखे जार में अच्छे से भर लेंगे। और रेडी हो चुकी है हमारी ये बहुत ही तीखी चटपटी सी आम का ये मीठा सा अचार। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, बस थोड़ा सा मीठा, थोड़ा तीखा खट्टा, इस तरीके का इस अचार का टेस्ट है। और ऐसे बनाने से और थोड़ा सा विनेगर डालकर रखने से ये लंबे समय तक अच्छे से चलेगा। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर दीजिए एक लाइक। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए आम का ये तीखा मीठा चटपटा सा अचार।